हेलो फ्रेंड्स, आई एम केशव। आप भी सोच रहे होंगे कि ये उबासिया क्यों ले रहा है, लेकिन जस्ट मैं भी उठाई था कि मम्मी बोले जा केशव किचन में जा और चाय बना के लेके आ। फिर मैं किचन में गया तो मैंने वहाँ पर चाय छन्नी को देखा। फिर मैंने सोचा इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने किचन में तो यूज करते हैं, लेकिन हमें उसकी इंग्लिश नहीं पता। ऐसे ही कुछ शब्द हैं। पहला है कढ़ाई। कढ़ाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोक। इसे हम क्या बोलते हैं? वोक। मैंने आपके लिए कढ़ाई बनाने का प्रयास तो किया है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कढ़ाई पसंद आई होगी। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज है चिमटा। चिमटा, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टंग्स। क्या बोलते हैं? टंग्स। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, टंग्स। हमारे पास तीसरी चीज है तवा। तवा, तवा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीडल। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीडल। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके बाद हमारे पास अगली चीज है चाय छन्नी। आ गई, जिसके लिए ये सारा खेल है। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टी स्ट्रेनर। चाय छन्नी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी स्ट्रेनर। इसके बाद हमारे पास अगली चीज है चकला। चकला, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोलिंग बोर्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? रोलिंग बोर्ड। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके बाद हमारे पास आखिरी चीज क्या है? बेलन। बेलन, बेलन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोलिंग पिन। इसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग पिन। अरे दोस्तों, आपको ये चीजें बताने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि मैं चाय चढ़ा के आया था। मैं चलता हूँ।